Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start reasoning part of your syllabus. जो आपके syllabus में reasoning दिया हुआ है, उसको हम cover करेंगे. अब ये reasoning किस-किस exam में आपको दिया जाता है? सबसे पहला ये है कि जो JKPSI का exam है, उसमें से आपको 8 से 10 questions reasoning के और maths के आपको 8 से 10 questions. Almost आप ये चल लेकर चलोगे JKPSI में आपको 21 से लेकर 25 marks जो हैं, वो आपको reasoning plus maths से पूछा जाएगा. ये होगा पहला. मतलब 120 questions में से आपको almost 19 to 20 questions maths plus reasoning देखने को मिलेगा. दूसरी बात अगर हम करेंगे वो है VLW का अलग से syllabus दिया, maths के 25, reasoning के 20. That means काफी weightage है आपको जो maths और reasoning syllabus में दिया हुआ है, और आपकी selection maths और reasoning ही देगा, VLW हो या पटवारी हो. फिर रही बात पटवारी की, उसमें भी reasoning आपको और आपको जो है maths दिया हुआ है. तो मतलब जिस भी exam के लिए आप तैयारी कर रहे हो, maths और reasoning जो है one of the most important part of your syllabus है. और यही बच्चे इसी को छोड़कर जीएस पे पूरा फोकस लगाते हैं और ये सोचते हैं इसको छोड़ के पूरा जीएस में अगर फोकस लगाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी. सिलेक्शन नहीं होती है, ये बात आप पहले ही ज़हन में रखो. वीएलडब्ल्यू में 45 मार्क्स पढ़ के अगर नहीं जाओगे तो जीएस में अगर पूरा भी आप करोगे, सारा ठीक करोगे, 75 मार्क्स भी ठीक करो, स्टिल आपका पास नहीं होगा. तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना किस तरीके से है, इसमें हम कॉन्सेप्ट के बेस पे देखेंगे. फार्मूला ज्यादा यूज नहीं करेंगे. जहां पर हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पर फार्मूला काम करेगा, इजी है याद रखने के लिए, वहां पर यूज करेंगे. लेकिन 95% आपको ये चीज याद रखनी है, कॉन्सेप्ट सीखना है बिल्कुल ईजी तरीके से. जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, जिसने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ा है ना समझा है, उसके लिए सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. जिसने ऑलरेडी पढ़ा है उसके लिए रिवीजन के लिए भी तौर पे भी होगा, और अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चंस को करने के लिए. तो कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझना है, फिर किस तरीके से अप्लाई करना है. मैं उन्हीं टॉपिक्स को पहले करवाऊंगा जिनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मतलब कोई भी एग्जाम हो, JKSSB का हो या आप JKS का जो आपका CSAT होता है, उससे मतलब किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे. मैथ्स के 8-10 टॉपिक्स होते हैं, रीजनिंग के 10-12 टॉपिक्स होते हैं, जहां से आपका पूरा पेपर मैथ्स और रीजनिंग का आता है. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये हमारा रीजनिंग हो गया. रीजनिंग में हम सबसे पहला टॉपिक जो हमें करना है उसको हम नाम देते हैं डायरेक्शन सेंस. से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. ठीक है, एक या दो क्वेश्चंस, एक तो डेफिनेटली आता है, दो भी आपको पूछा जा सकता है. तो डायरेक्शन सेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तीन हैं. उन तीनों के तीन कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर आपको अप्लाई करना है. हर टॉपिक के ऊपर आप 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, 10 टॉपिक्स हो गए, 80-90 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे, और प्रैक्टिस इतनी तेज रखनी है सो दैट आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए. आप अप्लाई आपको वहां पर अप्लाई करना है. ठीक है, डायरेक्शन सेंस ये पहला टॉपिक हमारा रहेगा. डायरेक्शन सेंस को समझने के लिए सबसे पहला आपको ये समझना है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ. ये आपका डायरेक्शन हो गया ईस्ट, ये आपका डायरेक्शन हो गया वेस्ट, ये आपका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, ये आपका डायरेक्शन हो गया साउथ. यहां तक क्लियर बात? हाँ, ठीक है. नॉर्थ से ईस्ट में जो एक लाइन सेंटर से ड्रॉ होती है, ये नॉर्थ ईस्ट की लाइन होती है. याद रखना, ये नॉर्थ ईस्ट की लाइन होती है, और ईस्ट के और साउथ के बीच में एक लाइन होती है, इसको साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं. और यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच में एक लाइन होती है, इसको साउथ वेस्ट के नाम से जानते हैं. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक लाइन होती है, इसको नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाता है. यहां तक ये क्लियर हो गया. अब देखो यहां पर ये जो है, देखो ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं और ये दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की, जैसे कि मैंने ईस्ट और नॉर्थ मैंने ड्रॉ किया, ये होता है 90 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब जो परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे को. मतलब क्या है, जैसे कि ये अगर मेरा है, ये है, ये एक प्लेन है, इसके ऊपर ऐसे मैंने रखा ना, तो ये हो गया 90 डिग्री. जो ही मैं इसको चेंज कर रहा हूं, आप देखो ये एंगल कम होता जा रहा, कम होता जा रहा ऐसे. लेकिन जब स्ट्रेट ऐसे रखता हूं, ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है, परपेंडिकुलर जो पड़ता है.
लेकिन इसी के बीच में मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पर खींची थी, इसको मैंने नॉर्थ ईस्ट रखा था। ये जब सेंटर में होता है नाइन, इसको दो भागों में डिवाइड होता है, तो ये हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 अगर था, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये बन गया अब 45 डिग्री। ये पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन सेंस में आपको पूछा जाएगा कि एक पर्सन है वो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है, फिर वो 45 डिग्री टर्न लेता है, 90 डिग्री टर्न लेता है, ठीक है। ये इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ये 45 हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं आ जाऊंगा, यहां पर एक सेकंड, यहां पर मैं आ जाऊंगा, ये हो गया 45। फिर यहां पर आ जाओ, ये वाला, ये हो गया 180 डिग्री। देखो ये लाइन जो है ये 90 डिग्री होगी, इसके साथ ये 45 डिग्री बनाता है। अब ये लाइन और ये लाइन जो है यहां पर, इसकी मैं बात करूं, ये हो गया 180 डिग्री, यहां पर आ जाओगे, ठीक है, यहां पर आ जाओगे, यहां पर हो गया, देखो यहां से यहां तक 90, फिर ये यहां इसमें 90 आ गया, इसमें 90 आ गया, यहां तक आ गया 180 और 90 जोड़ो, ये वाला हो गया 240, यहां तक और 90 जोड़ो, हो गया 360 यहां तक। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। ये हो गया पहला आपका, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कौन सा टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम यहां पर करेंगे। टाइप वन की अगर हम बात करेंगे, टाइप वन क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, जैसे कि मैं बोलता हूं आपको, सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है राम, की ही बात करेंगे, राम श्याम ये ज्यादातर दिया जाता है, हम राम की ही बात करेंगे। एक पर्सन है, ये होम से ऑफिस जाता है, इसको अपने घर से कहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, ठीक है। ये लेकिन ये कैसे जाता है, सबसे पहला ये क्या करता है, ये ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, कितना आप बोलोगे 10 किलोमीटर बाई कार जाता है, ठीक है, बाई कार। उसके बाद जब ये 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, उसके बाद ये एक टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद एक राइट टर्न लेता है, ठीक है, क्या लेता है, राइट टर्न लेता है, और राइट टर्न लेने से क्या करता है, ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। नंबर थर्ड, 5 किलोमीटर चलने के बाद इसको एक लेफ्ट टर्न लेनी होती है, लेफ्ट टर्न लेता है और फाइनली लेफ्ट टर्न लेकर क्या करता है, लेफ्ट टर्न, और फिर ये क्या करता है, फिर ये 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। नंबर फोर, फाइनली ये अपना घर, फाइनली क्या होता है, ये फाइनली रीच्ड ऑफिस, फाइनली ये कहां पर पहुंच जाता है, ऑफिस। आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा नंबर फर्स्ट, आपको पूछा जाएगा ये बताओ इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया फ्रॉम ऑफिस टू होम, नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा आपको क्या पूछा जाएगा, इसकी अब डायरेक्शन कौन सी, ये किस डायरेक्शन में अब ये जो है क्या बोल रहे हैं मूव कर रहा है, ठीक है। पहले अगर निकला ये ईस्ट डायरेक्शन से निकला है, लेकिन अब फाइनली जब ये घर पहुंचे इसके डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन आपका बनता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड ठीक है, और दूसरा आपको पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन राम इज फेसिंग नाउ, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, डिस्टेंस यहां पर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ही ज्यादा फोकस करना है, डिस्टेंस अगर आपको पूछा जाएगा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ही फोकस करना है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान से आप देखो, सबसे पहले हम होम ले लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम होम ले लेंगे, सबसे पहले मैंने होम लिया, ठीक है, ये हो गया होम, होम से इसने स्टार्ट किया था और कहां चला गया, ईस्ट की तरफ, कितना आप बोलोगे सर होम ले लिया, ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर गया, तो जो आपका ईस्ट होगा उस ईस्ट डायरेक्शन में जाओ, ईस्ट डायरेक्शन ये है, ये 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया, आप लिखोगे 10 और यहां पर आपने एरो डाला, एरो इसलिए डालना है क्योंकि ये आपके डायरेक्शन बताता है कि ये ईस्ट की तरफ है। अगर मैं ऐसे एरो डालता हूं, मैं बोलता हूं एरो का राइट बताओ, आप बोलोगे एरो का राइट आएगा ये यहां पर, एरो का लेफ्ट बताओ, आप बोलोगे ये आएगा लेफ्ट। अगर मैं ऐसे एरो ड्रा करता हूं फिर बोलूंगा राइट बताओ, आप बोलोगे सर राइट आ गया ये वाला, लेफ्ट कौन सा गया, लेफ्ट आ गया ये वाला। अगर एरो ऐसे है डायरेक्शन ऐसे, इसका राइट क्या है, इसका राइट ये है और लेफ्ट टर्न ये हो गया, ये क्लियर हो गया, समझ आ गया ये, हाँ सर ठीक है। तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और कितना 10 किलोमीटर ये जा रहा है, फिर ये राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहां पर इसने राइट टर्न ले लिया, ये इसने राइट टर्न ले लिया
और कितना आप बोलोगे 5, ये एरो ऐसे ही रखोगे। क्लियर हो गया? हाँ सर ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद ये लेफ्ट टर्न लेता है और 15 किलोमीटर चलता है। इसका लेफ्ट वाला ये आता है, इसका लेफ्ट साइड ये आता है और कितना चलता है आप बोलोगे सर ये फाइनली 15 किलोमीटर आता है। और फाइनली ये कहां पर पहुंच जाता है आप बोलोगे सर फाइनली अपने ऑफिस पहुंच जाता है, ये ऑफिस तक पहुंच गया। ठीक है, ये अपने ऑफिस, तो ये आ गया ऑफिस, ये हो गया इसका होम। आपको पूछा जाएगा अभी अगर आप बताओगे कि इसकी डायरेक्शन अब क्या है, आप बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन जो आप देखो, ये अगर इसका होम है ये इस डायरेक्शन में जाता है तो दैट मींस इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहां पर क्या बताओगे सर, फाइनली इसकी डायरेक्शन जो है ये ईस्ट डायरेक्शन इसकी है। आ रही बात समझ, ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट इसने किया था ईस्ट से और फाइनली ईस्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन ईस्ट में। तो हो गया एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा आपको ये बनता है, आपको डिस्टेंस निकालना है। अगर आप टोटल ओवरऑल डिस्टेंस निकालोगे, अगर आप ओवरऑल डिस्टेंस निकाल, इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया, 10, 5 और 15, ये जोड़कर होगी टोटल डिस्टेंस। लेकिन हम निकालेंगे, हमारा मेन पर्पस है यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। मतलब यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जो डैश वाली लाइन में ड्रॉ करता हूं, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन। तो आपको ये वाली डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका क्या बनेगा। तो आप क्या करोगे, आपको एक काम करना है, यहां से इसको नीचे लेकर आओगे। अगर यहां से यहां तक, यहां से इस लाइन तक ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, उसके बाद इसको आगे करोगे ऐसे कंप्लीट करना है, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक अगर 10 है ये भी यहां 10 आएगा। आप देखो एक ट्रायंगल बन रही है आपको, ये वाली, ये डैश वाली लाइन की ट्रायंगल बन रही है, इस ऐसे आपकी ट्रायंगल बन रही है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। ये इसका क्या था आप बोलोगे सर हाउस, ये क्या इसका क्या था, ये ऑफिस था। ये क्या है यहाँ पर आप बोलोगे 5, ये क्या है, ये 10 है और ये कितना है 15 है, कितना हो गया ये 25 हो गया। निकालना क्या है आपको, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालना है और इस डिस्टेंस को मैं एक्स बोलूंगा, घर से ये ऑफिस जा रहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहां पर जो आपको निकालना, आप एक्स निकालोगे, एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 25 हो गया, बेस इतनी ज्योमेट्री तो आपको आती होगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। 25 इनटू 25, आपको 1 से 30 तक स्क्वायर्स पता होने चाहिए। एक चैप्टर भी है आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर स्क्वायर रूट स्टिल 30, राइट। और क्यूब आपको 10 से 15 तक आपको याद होना चाहिए। 25 हो गया 625 का स्क्वायर, 5 हो गया 25, तो जब दोनों को जोड़ोगे ये 5 ये 5 हो गया 10, 1 कैरी 2 2 4 और 1 कैरी 5 और ये कितना आएगा 650x स्क्वायर आ गया। अगर आपको x निकालना होगा ये स्क्वायर अंडर रूट बनता है, ये स्क्वायर अंडर रूट बनता है और ये क्या हो गया 6 अंडर रूट 650, ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसको परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, बट अप्रॉक्सिमेटली अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या बताओगे ये 650 आ गया। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला 625 ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे सर 625 जो है 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 का स्क्वायर है तो ये 625 से ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे अप्रोक्सीमेटली क्या है ये 25.46 अप्रोक्सीमेटली आप बोलोगे ये इसका आंसर आएगा। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है वो ये वाली डिस्टेंस है। यहां तक क्लियर हो गया? तो दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने दिखाए, एक कौन सी डायरेक्शन ये अब मूव कर रहा है, इसका फेस किस डायरेक्शन में है, नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसने ऑफिस से होम तक या होम से ऑफिस तक कितना ट्रेवल किया है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आप बोर्ड पे देखोगे पूरा फोकस करके, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, मतलब सेम डे पे ही आप क्या करोगे 5-6 क्वेश्चन, जैसे मैंने ये दिखाया डायरेक्शन सेंस के 5-6 क्वेश्चंस उठाओगे, 5-10 मिनट में कंप्लीट करोगे, रखा साइड में, सो देट आपको एक जहन में ये रहे कि हाँ ठीक है, हमने डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं इजिली इसको हैंडल कर सकता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे यस सर आप जो है इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही मैंने जो है ये सेटअप बनाया है। ठीक है, आपको मैथ्स और रीजनिंग में जो जो इश्यूज हैं वो मैं करा दूंगा। मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग सीखते हो टॉपिक वाइज, जो जो टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा आपके सारे क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे आप इजिली उनको सॉल्व करोगे। पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला अगर आपको याद होगा, ठीक है, जो 90% सिलेबस जो होता है वो 90% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं किसी भी एग्जाम में वो 50% सिलेबस से होता है। और आपको ये पता चलना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग का 50%
टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें करके जाना, हमें सारे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।